हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आदर्श डेयरी फार्म चैनल। आज हम बात करेंगे मित्रों, डेयरी फार्मिंग में ब्रीडिंग कितना इम्पोर्टेंट। हमने पहले बताया था आप लोगों को कि डेयरी फार्मिंग में जो पिलर होता है, डेयरी फार्म का जो चार पिलर होता है जिसपे पूरी डेयरी फार्मिंग टिकी होती है, वो है फर्स्ट ब्रीडिंग, सेकेंड फीडिंग, थर्ड मैनेजमेंट और फोर्थ मार्केटिंग। तो ब्रीडिंग कैसे, फर्स्ट में ब्रीडिंग क्या चीज़ है? ब्रीडिंग का मतलब ये है कि जब हम अपने डेयरी फार्म में अच्छी ब्रीड तैयार नहीं करेंगे, अच्छी ब्रीड की बछिया नहीं रखेंगे, अच्छा सीमन नहीं लगवाएंगे, तो जो हाई मिल्कर की गाय हैं वो हमें अपने क्लाइमेट की नहीं मिल पाएंगी, और हम जो है और हम अच्छी ब्रीड की गाय अपने यहाँ नहीं पा पाएंगे। क्योंकि शुरू में जब भी हम डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो वही 14-15-16 लीटर वाली गाय लाते हैं, और उसी से हम अच्छी सीमन की बछिया तैयार करके और उसको 20-25 लीटर 30 लीटर तक लेके जा सकते हैं। क्योंकि हर समय नई गाय को लाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फर्स्ट हमें क्या चीज़ पे ध्यान देना है, ब्रीडिंग पे। दूसरा क्या है, फीड। फीड में जितने भी पोषक तत्व हैं सारे चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए, वैसे फीड हम लोग को खिलाना है जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन हो, फाइबर हो। तो प्रोटीन हो, फाइबर हो, फैट हो, एनर्जी हो, ये सब सारे पोषक तत्व तो जो होते हैं वो उसमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, वैसे फीड को हम लोग दे सकते हैं और देना चाहिए। थर्ड चीज बताया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब रख रखाव, हम किस तरह से अपने पशुओं को रख रहे हैं, हम कैसे। ये एक गाय दिखाना चाहूँगा, मेरी एक गाय बच्चा देने वाली है, हो सकता है आज 1 या 2 घंटे 3 घंटे के अंदर ये बच्चा दे दे। तो मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमारा रख रखाव किस तरह का है, किस तरह से हम पशुओं को मैनेज कर रहे हैं, सफाई कितना है। क्योंकि जब तक से सफाई नहीं रहेगी बीमारियां ज़्यादा आएंगी, और अगर सफाई से रखते हैं तो बीमारियां कम आएंगी। तो मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, किस तरह से हम मैनेज कर रहे हैं। हमने डेयरी फार्म खोल दिया और फीड मंगा दिया, पता चला भूसा हमारा ख़त्म हो गया, या फिर भूसा रखे हुए हैं, पता चला फीड ख़त्म हो गया। तो समय समय पर हर एक चीज़ की उपलब्धता हमें बनाए रखनी है। और फोर्थ चीज़ हमने बताया मार्केटिंग। मार्केटिंग मीन्स क्या है कि जो हम दूध अपना उत्पादन कर रहे हैं, मिल्क का प्रोड्यूस, जितना मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक अच्छे रेट में जब तक से नहीं बिकेगा तब तक से हम सही ढंग से अपने डेयरी फार्म को संचालित नहीं कर पाएंगे। अगर दूध हम 30 रुपये लीटर बेच रहे हैं और फीड का कास्ट हमारा 32-34 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आ रहा है, तो हम वहाँ से माइनस में जाना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे दूध की सही कीमत कैसे मिलेगी, इसको भी ध्यान में रखते हुए हमें डेयरी का संचालन करना है, मार्केटिंग करना है। और तो इन चार बिंदुओं पर हम काम करना चाहें तो एक डेयरी को सही ढंग से हम सुदृढ़ तरीके से चलाएंगे। आगे हम दिखाएंगे आप लोगों को जो हमारे यहाँ बछिया काफ तैयार हो रही हैं उनके बारे में। ये हमारी एक काफ है, ये बायफ के सीमन की है, और ये ब्रीड में बहुत ही शानदार बछिया है। इसको हमने पहले भी आप लोगों को वीडियो में दिखाया था, ये लगभग 1.5-2 महीने की सीमन ले रखी है,
और उसके बाद एक बछिया ये है मित्रों, इसके मदर को मैंने 60,000 में परचेज किया था। ये भी काफ़ी शानदार बछिया है, इसको दिखाऊंगा मैं आपको। ये भी काफ़ी शानदार बछिया है। और एक बछिया ये है, एक बछिया ये है, इसकी मदर भी 18 से 20 लीटर दूध करती है। ये भी काफ़ी अच्छी बछिया है। थोड़ा सा इसको दूध हम ज़्यादा नहीं पिला पाए क्योंकि ये हमारे पास लेट आई थी। तो और एक बछिया बाहर में है जो कि बच्चा देने वाली है। अगर हम चाहते हैं तो हर साल 2 या 3 बछिया भी तैयार करके अगर सेल कर देते हैं, तो अगर मिनिमम अगर 50,000 की भी हम गाय बेचते हैं अपनी एक, तो साल में 1.5 लाख रुपए की बछिया गाय बना के हम सेल कर देंगे। तो अगर दूध से हमें प्रॉफिट नहीं होता है या फिर हम डेयरी को मैनेज करने में ही अपना दूध का पैसा लगा देते हैं, तो ये जो 3 बछिया 3-4 बछिया हर साल तैयार करके हम सेल करेंगे, वो एकमुश्त पैसा हमारे पास आता है। और उस पैसे को ही हम बचत मान के डेयरी को चला सकते हैं। ऐसे ज़्यादातर हम देखे हैं कि दूध का पैसा बहुत कम बचता है, लेकिन ये जो बछिया तैयार करके हम उसी दूध के खर्च में तैयार कर लेंगे, वो एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। कल एक वीडियो बनाएंगे जो कि उसमें बताएंगे कि ये गाय हमारी क्या दी है, मेल काफ दी है या फीमेल काफ दी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बातें होंगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो कृपया स्किप न करें। अगर वीडियो में पूरी जानकारी लेना है तो पूरा वीडियो देखें। नमस्कार, धन्यवाद।